Hello everyone, how are you? Welcome in the Guruji classes once again. आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GMCP ऑफ दिल्ली की 22 जुलाई की वर्कशीट करने जा रहे हैं, जो कि वर्कशीट नंबर 3 है और इंग्लिश की है। इसमें हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। जो किसी चीज़ की खासियत बताएं उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। और हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमें पिक्चर्स को मैच करना है उनके नाउन एडजेक्टिव से। यानी इस तरफ जो है ये सारे हमारे नाउन है और ये एडजेक्टिव है, हमें इनके सही एडजेक्टिव से मैच करना है। सो ब्रिक कैसी होती है? हार्ड। तो पहले का ये हो जाएगा। सेकंड, नाइफ शार्प होती है, तो नाइफ का हो जाएगा शार्प। इसी तरह से पिलो सॉफ्ट होता है, तो पिलो का सॉफ्ट हो जाएगा। जो केक होता है वो क्या होता है? स्वीट होता है। प्लांट ग्रीन होता है और सन ब्राइट होता है। तो इस तरह से हमारी ये मैचिंग होगी। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव लिखना है इन शब्दों के लिए। और ये जो बॉक्स दे रखे हैं इनमें शब्दों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लीन, स्वीट, केयरिंग, सॉफ्ट, स्पाइसी, सपोर्टिव, स्टिकी, हेल्पफुल, क्रंची, डिलीशियस, हार्डवर्किंग, यमी, वेल स्टिच्ड, कॉन्फिडेंट, चीजी, लवी, सेवरी, ऑनेस्ट, एनर्जेटिक, रेड, एनी कलर, डर्टी। सो पहला रोज़ है। रोज़ के लिए क्या यूज़ किया है? पिंक, ब्यूटीफुल और फ्रेगनेंट। अब सेकंड एक क्लाउड है। क्लाउड के लिए ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक शब्दों का यूज़ होगा। थर्ड फूड है। सो फूड के लिए यमी, डिलीशियस और क्रंची यूज़ होगा। फोर्थ है फादर और मदर, इसके लिए होगा सपोर्टिव, हार्ड वर्किंग एंड स्वीट। फिफ्थ में क्लोज दिए हैं, उनके लिए होगा सॉफ्ट, वेल स्टिच्ड एंड क्लीन। सो जिन वर्ड से हम डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को, उन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, सर्कल द एडजेक्टिव इन द पैसेज एंड फिल दैम इन द ब्लैंक्स बिलो। अब यहाँ पे हमें सर्कल करने हैं एडजेक्टिव्स और उन्हें नीचे लिखना है। अ लिटिल बॉय नेम्ड राजू पुट ऑन हिज वार्म जैकेट एंड वेंट आउट हिज कोजी होम। इट वॉज अ कोल्ड नाइट विद अ क्लियर स्काई, द स्टार्स वर ब्राइट एंड ही लुक्ड एट द ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेशंस। सडनली ही सॉ अ शूटिंग स्टार, he couldn't stop gazing at the sky and wonder at the beauty of this night. So पहला शब्द लिटिल है जिसको हमने लिखा है। सेकेंड हमारा वार्म होगा, थर्ड कोजी, फोर्थ कोल्ड होगा, फिफ्थ क्लियर एंड सिक्स्थ ब्राइट। इस तरह के हमारे और भी एडजेक्टिव है जिन्हें हम लिख सकते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, शूटिंग, ब्यूटी। इस तरह से हम इनको भी लिख सकते हैं। तो जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन से पहले या फिर प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है इस बॉक्स में। सो यहाँ पे वर्कशीट ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।